जैन एक 18 साल तल्ख मिजाज लड़का, जो एक ऐसे घराने में पैदा हुआ था जिसमें पाबंदियां थी। ये करो वो ना करो, शुक्र करो जो तुम्हें मिल रहा है। जैन बागी सा हो गया था। आज जैन को दोस्त ने 5,000 के नोट और 2 नए मोबाइल दिखाए, जिसकी चमक ने जैन को हैरत में डाल दिया। वो उसे बाइक पर अपने साथ ले गया। नाजरीन, जैन आज खाली हाथ नहीं था, इसके हाथ में भी 5,000 के नोट और नया मोबाइल था। अब ये रोज का मामूल था, वो खुश रहने लगा था। इसके पास भी बाइक आ गया था, अब वो घर में पैसे देने लगा था। ये कह कर के नौकरी मिल गई है। आज जैन हमेशा की तरह घर से मंसूबा साजी करके निकला। किसी को ये मालूम नहीं था कि जैन जुर्म की दुनिया का हिस्सा बन चुका है, एक रहरो रहजन बन चुका है। रात तकते तकते देर हो चुकी थी। घर वालों की नजरें जैन के इंतजार में घर की चौखट पर जमी हुई थी। मगर आज जैन से पहले इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के कुछ अहलकार घर पहुंचे। हैरत की बात ये थी कि वो अकेले नहीं थे, इनके साथ जैन की लाश थी जो खून से लथपथ थी। ये मंजर देखकर घर में कोहराम मच गया। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के अफसरान ने बताया कि जैन राहगीर से मोबाइल और नकदी छीनकर भाग रहा था कि 15 की जानिब से हदायत मौसूल होने पर नाका पर पुलिस की तरफ से जैन को रोकने पर इसने फायरिंग की और पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम हलाक हो गया। खातिन हजरात, जैन के वालिदैन कोने में बेहिस्सो हरकत सकते के आलम में खड़े जैन की गलतियों को याद कर रहे थे।